नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश धादीज और आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स। दोस्तों, राजस्थान में सोमवार को 29 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची आई है। तबादला सूची में जैसलमेर कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह का पंचायती राज जयपुर में तबादला हुआ है। वहीं उनके स्थान पर टीना डाबी को जैसलमेर कलेक्टर के पद पर तबादला किया गया है। टीना डाबी अभी संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग में कार्यरत थी। दोस्तों, आपको बता दें कि टीना डाबी 2015 आईएएस परीक्षा में पहली रैंक प्राप्त करने वाली महिला है। जैसलमेर जिले में उनकी कलेक्टर के तौर पर ये पहली पोस्टिंग है। अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अक्सर सुर्खियों में बनी रहने वाली आईएएस टीना डाबी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। अपने पहले पति से तलाक के बाद आईएएस प्रदीप गवांडे से उन्होंने हाल ही में शादी की है। टीना डाबी हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट से काफी चर्चा में रही थी। ये पोस्ट काफी मोटिवेशनल करने वाली थी। टीना डाबी ने इससे पहले आईएएस बनने के बाद 2015 के यूपीएससी टॉपर अतहर आमिर से साल 2018 में शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन ये लव मैरिज ज्यादा दिनों तक न टिक सकी। साल 2020 में दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद प्रदीप गवांडे, जो राजस्थान केडर के ही आईएएस अफसर हैं, टीना डाबी ने उनसे शादी कर ली। यह शादी भी काफी चर्चा में रही। गौरतलब है कि टीना भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली है। वो साल 2015 की आईएएस टॉपर रह चुकी हैं। टीना की तरह उनकी बहन रिया डाबी ने भी आईएएस एग्जाम में 15वीं रैंक हासिल की है। दोनों बहनें सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि टीना डाबी से तलाक लेकर अलग हुए आईएएस अतहर आमिर खान भी अब दूसरी शादी रचाने जा रहे हैं। अतहर खान डॉक्टर महरीन काजी को अपनी जिंदगी का हम सफर बनाने जा रहे हैं। अतहर ने अपनी होने वाली पत्नी डॉक्टर महरीन काजी के साथ अंगूठियां शेयर कर ली हैं। दोनों की सगाई हो चुकी है। जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।